हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विद्यानंद ऑनलाइन। सो दिस इज डे 6 और आज हम क्या पढ़ेंगे? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो दिस इज चैप्टर 3 ऑफ योर बुक। और इस चैप्टर को बेसिकली हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। और जो अब हमारा कल वाला सेशन होगा डे 7, उसमें हम रेस्ट ऑफ द पार्ट करेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, देन नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। नाउ लेट अस डू द चैप्टर एनालिसिस। तो इस चैप्टर से राउंड अबाउट 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आया है। 2019 में हाउएवर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आप प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड रिएक्टिविटी सीरीज ये आपके कोर्स में है, एंड फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके कोर्स में है। बट आपको बाकी की चीज़ें नहीं पढ़नी, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस इन करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, राइट? तो ये आपके कोर्स में नहीं है। तो आप एज्यूम कर सकते हो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके लिए बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज मेटल, मेटल होता क्या है। तो मेटल देखो, हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट? तो कुछ तो मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं। तो मेटल्स क्या है? मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल। ठीक है, तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन को लूज़ करोगे तो आपके पास कौन सा चार्ज आएगा? यू विल हैव पॉजिटिव चार्ज, राइट? बिकॉज होता क्या है उसमें कि मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कम हो जाते हैं, दैट इज़ वाई जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रीडोमिनेंट हो जाता है। दैट इज़ वाई ऑल द मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मेटल्स क्या हैं? मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं इन ऑर्डर टू बिकम इलेक्ट्रो पॉजिटिव। सो मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब अपीयरेंस, कैसे मेटल अपीयर कैसे करता है। ठीक है, तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट, दैट मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल मतलब आप उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखो, हमने एल्यूमिनियम शीट्स देखे जिससे हम फूड रैप करते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉपर और आयरन की शीट्स भी होती है जिससे यूटेंसिल्स बनते हैं, एल्यूमिनियम के शीट्स के यूटेंसिल्स भी बनते हैं। गोल्ड और सिल्वर, अगेन दे आर वेरी मेलिएबल। सो वी कैन से दैट मेटल्स आर मेलिएबल। ठीक है, विच मीन्स दैट दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। एग्जांपल आप लिख सकते हो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। ठीक है, अब बात करते हैं डक्टाइल की। डक्टाइल का मतलब होता है अगर मेटल्स को आप थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो तो। सो मेटल्स आर एक्चुअली वेरी डक्टाइल बिकॉज दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है? गोल्ड। ठीक है, गोल्ड में अगर आप गोल्ड का अगर 1 ग्राम भी आप गोल्ड लेते हो तो उसको 2 किलोमीटर जितनी लंबी वायर उससे बना सकते हो। सो सी हाउ डक्टाइल इट इज़। सो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? गोल्ड हो सकता है, या फिर हम बात करते हैं जो कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर्स होती हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, तो हम बोल सकते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक है, सिल्वर ऑल्सो। सो ये एग्जाम्पल्स हैं ऐसे मेटल्स के जो हाईली डक्टाइल हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दैट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो जितने भी आपके मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो मेटल्स एक्चुअली अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम वेरी ईजली। से सपोज आपके पास ये एक रॉड है, ठीक है, और आप इस रॉड के सिर्फ इस वाले पार्ट को हीट कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, इनको एनर्जी मिलेगी बिकॉज ऑफ विच दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और ये अपनी एनर्जी बाकी और इलेक्ट्रॉन्स को पास करेंगे जो कि इनके साइड में है। तो ये इसको पास करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को, ये दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को, इस तरीके से क्या होगा, पूरी की पूरी रॉड गर्म हो जाएगी। तो जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सिल्वर। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हाउएवर यहाँ पे दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि दे आर वेरी पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, जो कि है लेड और मरकरी। ठीक है, लेड और मरकरी दे आर पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो हम लिख सकते हैं कि सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, और अगर हम बात करें लेड एंड मरकरी, दे आर
the poorest conductor of heat. Although they are metal, but they are poorest conductor of heat. Metals are good conductor of electricity. अब ऐसा क्यों है? देखो, electricity का होने के लिए, good conductor होने के लिए हमारे पास free electrons होने चाहिए. अब जो metals हैं वो तो electron lose ही कर रहे हैं ना. They all have free electrons which are free to move. And that is why जितने भी आपके metals होते हैं they are good conductor of electricity. For example, copper. Copper की wire बनती है. Because copper is a good conductor of electricity, it has two electrons जो कि वो बहुत loosely bounded है. ठीक है, बात करते हैं aluminium, again it's a good conductor of electricity, that is why हम उसकी wires बनाते हैं. But इसमें जो सबसे best conductor है of electricity है वो है silver. Silver is the best conductor of electricity, but क्योंकि ये expensive होता है, that is why generally हम इसकी wires नहीं बनाते हैं, हम wires बनाते हैं aluminium और copper. Next है कि metals जो होते हैं they are lustrous. Lustrous मतलब shiny होते हैं. However, अगर आप कुछ metals देखो जैसे कि copper, aluminium, आपको देख के नहीं लगेगा कि भाई वो इतने shiny हैं. क्यों? क्योंकि वो basically air में रहते रहते उनके ऊपर layer बन जाती है. हो सकता है वो oxygen से react कर रही हो तो oxide की layer बन गई हो. हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहे हो तो कार्बोनेट की लेयर बन गई हो या फिर सल्फाइड की लेयर बन गई हो. ठीक है, सो जितने भी मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं. हाउएवर, बिकॉज दे आर केप्ट इन एयर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ वाई दे मे गेट करोड. अब बात आती है कि सबसे अच्छा ऐसा कौन सा मेटल है जो सबसे ज़्यादा लस्ट्रस है, तो उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है. हमें पता है कि जो गोल्ड है और जो सिल्वर है they are very lustrous, बहुत shiny होते हैं, that is why they are also used for making jewelries. Okay, next है कि जितने भी metals होते हैं वो hard होते हैं. अब hard होते हैं पर इसमें exception होता है sodium, potassium और lithium. देखो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये important है, exam में बहुत बार पूछा गया है. तो sodium, potassium और lithium ये exception है. They are not hard, they are soft. ठीक है, they can be cut विद द हेल्प ऑफ नाइफ. अदरवाइज जितने भी और मेटल्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं. आप खुद देखो, हम आयरन का इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें कोई बिल्डिंग या कोई कंस्ट्रक्शन साइट देखो, अगर तो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन साइट्स में आयरन का इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है, बहुत डेंस होता है. सो ऑल मेटल्स आर वेरी हार्ड एक्सेप्ट फ्रॉम सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम. नेक्स्ट, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग. अगेन ये वही बात हो गई हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग पे. जितने भी मेटल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत डेंस होते हैं. एग्जाम्पल हमने बात करी है अभी आयरन की. इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट इज़ वाई इट इज़ यूज इन कंस्ट्रक्शन साइट. हाउएवर, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. नेक्स्ट, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, मतलब वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं. पर अगर हम बात करते हैं मर्करी की, ठीक है, तो मर्करी कैसा होता है? इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. दूसरी बात, जितने भी मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है. दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. देखा जाए तो आयरन को मेल्ट करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. दैट इज़ वाई वी कैन से दैट मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. बट यहाँ पर भी एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम का, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट हैं मेटल्स, तो वो बहुत जल्दी यू नो दे कैन मेल्ट वेरी इजिली, बहुत लो टेम्परेचर में ही वो मेल्ट हो जाते हैं. एंड सेम गोज फॉर गैलियम एंड सीसीएम. वो तो बिल्कुल जैसे होते हैं जैसे आइसक्रीम होते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके के होते हैं जो आपके हाथों की गर्मी से ही मेल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी. अगेन ये सब चीज़ें जो है ना, डेंसिटी, सॉलिड और हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, ये सब एक ही चीज़ को रेफर कर रही हैं. सो जितने भी मेटल होते हैं वो डेंस होते, तो डेंस मतलब कि दे आर वेरी हैवी. ठीक है, एग्जांपल हम देखें आयरन, आयरन बहुत ही हैवी होता है. और अगर उसी में अगर पोटेशियम और सोडियम, अगेन दे आर लाइट मेटल्स और उनकी डेंसिटी भी बहुत कम होती है. नाउ द लास्ट इज सोनरस. जितने भी मेटल्स होते हैं वो सोनरस होते हैं, मतलब सोनरस मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग, कि उनमें से साउंड प्रोड्यूस होती है. सो इफ़ यू विल हिट देम सो इट विल प्रोड्यूस द साउंड. So all the metals are sonorous. However, again there is exception, sodium and potassium. अब क्योंकि वो इतने soft होते हैं तो उनको अगर hit करोगे तो उसमें से आवाज़ तो निकलेगी नहीं. ठीक है, अब next हम बात करते हैं chemical properties of metal. बहुत ही ध्यान से समझना. पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि भाई
जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। जो जो भी एलिमेंट्स आपके ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, जनरली सोडियम और पोटेशियम की ही हम बात करते हैं एक साथ, तो वो तो बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। अगर हम बोलते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, ठीक है, तो विद ऑक्सीजन वो रिएक्शन बिल्कुल रूम टेम्परेचर में कर लेते हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप एक्सटर्नल को हीट प्रोवाइड करो, ठीक है। अगर हम बोलते हैं वाटर से रिएक्शन, तो सोडियम और पोटेशियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इनकी रिएक्शंस लिख सकते हो एग्ज़ाम में। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद करने का एक तरीका मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, उसको मैंशन कर रही हूँ। That का ना का मेग अल जन फी सन पब एच को हग ए जी एंड ए यू। सो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। जनरली आप देखना कि सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिस तरीके के वो यू नो सॉल्ट्स बनाते हैं, वो कुछ एक जैसे से ही होते हैं। और एल्युमिनियम और जिंक, इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल एक जैसे से ही होती है एल्युमिनियम और जिंक की। बात करते हैं कॉपर और मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड, तो क्योंकि ये हाइड्रोजन के नीचे हैं तो ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो जनरली आप देखेंगे एल्युमिनियम और जिंक की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होगी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ऐसे ही पोटेशियम और सोडियम की एक जैसी सी होगी। कैल्शियम की बहुत जगह सोडियम और पोटेशियम से मिलती है, बट कुछ जगह नहीं भी मिलती है, तो उसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। ओके, तो पहला है रिएक्शंस ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया था कि कभी भी आता है किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीजन से रिएक्शन, का मतलब है कि आप उसको बर्न कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो दो आपके ऐसे मेटल्स हैं पोटेशियम और सोडियम, तो ये ऐसे मेटल्स हैं कि अगर आप इनको रूम टेम्परेचर में रख लिया तो वो बहुत जल्दी बहुत ही विग्रेसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से एंड दे कैच फायर। ओके, दैट इज़ वाई उनको हम कहाँ रखते हैं, कैरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। तो पहले हम इसकी बेसिक रिएक्शन देखते हैं। तो बेसिक है कि जब मेटल किसी भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम और लिथियम ये थ्री ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर सोडियम को अगर हम ऑक्सीजन से जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, ऑब्वियसली इट विल फॉर्म सोडियम ऑक्साइड विच इज Na2O। अभी कैसा ऑक्साइड है, इट इज बेसिक ऑक्साइड। सिमिलरली पोटेशियम भी कैसा ऑक्साइड है आपका, इट इज बेसिक ऑक्साइड। अब कुछ ही ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो कि सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं, मतलब अगर पानी में इसको करोगे तो दे विल बी सॉल्यूबल। सो उसमें कौन से हैं, सोडियम और पोटेशियम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा कि सोडियम और पोटेशियम के ही ऑक्साइड्स ऐसे हैं विच आर सॉल्यूबल इन वाटर, अदरवाइज और सारे इनसॉल्यूबल इन वाटर होते हैं। सो Na2O को अगर मैं वाटर में डालूंगी तो हमें क्या मिलेगा, NaOH। तो यहाँ पे 2 रख देती हूँ बैलेंसिंग के लिए। सिमिलरली K2O को भी अगर मैं वाटर में डिप करूँगी तो मेरे को क्या मिलेगा, KOH। अगेन आई हैव टू पुट 2 हेयर। सो ये कैसे हैं, दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। ओके, बाकी और जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का अब हमने पढ़ ही रखा था कि मैग्नीशियम आप बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप यू नो इसको रूम टेम्परेचर में रखते हो तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, पर वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रखते हो तब, क्योंकि मैग्नीशियम की जो रिएक्टिविटी है वो पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम से कम है, तो इस वजह से जो उसका रिएक्शन करने का तरीका है वो स्लो होगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम को जब आप बर्न करोगे ऑक्सीजन में तो इट विल रिएक्ट इन ऑर्डर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। ओके, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, वो बात है एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ भी है कि ऐसे ऑक्साइड्स जो कि बेसिक एज वेल एज एसिडिक दोनों बिहेवियर शो करें, ऐसे कौन है, एल्यूमिनियम और जिंक। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एल्युमिनियम और जिंक की प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर ही होती है, इसलिए एल्युमिनियम और जिंक दोनों ही आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ
एल्यूमिनियम, अगर एल्यूमिनियम को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, अब देखो क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से भी कम है, ठीक है, तो ये बहुत आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन से। एल्यूमिनियम को आपको काफ़ी देर तक बर्न करना पड़ेगा तभी वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो मैग्नीशियम से कम होगा। सो ये हम लिखेंगे Al2O3, सो इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगेन इसको हम बैलेंस करेंगे तो 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि एल्यूमिनियम का जो ये ऑक्साइड है ये बेसिक कैसे नेचर शो करता है और एसिडिक नेचर कैसे शो करता है। तो बहुत आसान है, आपको पता है कि जब एसिड और बेस ये कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो एक बार तो हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ऐसे बिहेव कराएंगे जैसे कि वो एक एसिड है, और एक बार उसको हम ऐसे बिहेव कराएंगे कि वो एक बेस है। तो अगर वो एक एसिड है तो Al2O3 यहाँ लिखते हैं, बेस की जगह हम सपोज NaOH लिखते हैं क्योंकि NaOH एक बहुत कॉमन बेस है जो हम जनरली यूज़ कर रहे हैं रिएक्शंस के लिए। तो जब बेस रिएक्ट करता है और अगर वो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, इसका मतलब है कि जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एसिड की तरह ही बिहेव कर रहा है जो कि हमने एज्यूम किया था, ठीक है। तो जब सोडियम हाइड्रोऑक्साइड ये कंबाइन करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, इट फॉर्म्स सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि AlO2 जो है वो होता है -1 और Na कितना होता है +1, दैट इज़ वाई इट इज सोडियम एल्यूमिनेट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो क्योंकि हमें सॉल्ट मिल रहा है, वाटर मिल रहा है और ये बेस है, इसका मतलब है एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका एसिड ही है, और ये हमने सही एजम्पशन रखा था। अब हम एक काम करते हैं, अब हम एज्यूम करते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका एक बेस है। तो उस तरीके से हम एक काम करते हैं, हम एसिड ले लेते हैं से सपोज HCl, और ये रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड से Al2O3, ठीक है। इन दैट केस क्या होगा, Al विल कंबाइन विद Cl और क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, और अगेन यहाँ पे वाटर का लिबरेशन हो रहा है। तो इसको आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ आप देखो ये एक सॉल्ट है, ये वाटर है और ये एसिड है। इसका मतलब है कि जो हमने एजम्पशन लिया था कि ये बेस है वो सही है, क्योंकि एसिड और बेस वही कंबाइन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं कि प्रूफ दैट एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैव एम्फोटेरिक बिहेवियर, तो अगर आपके पास टाइम भी नहीं है तो ये दोनों रिएक्शन लिख लीजिएगा और इससे आपका काम हो जाएगा, ओके। अब यही बात हम करते हैं जिंक के बारे में भी। सो जिंक व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा। अगेन जो ये जिंक ऑक्साइड है ये भी एक बेसिक बिहेवियर भी शो करता है और एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है, इट शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर। तो ZnO को एक बार एसिड लेंगे एक बार बेस लेंगे जैसे अभी हमने पहले किया था, ठीक है। तो एक बार हमने इसको लिया एसिड, तो बेस में मैंने NaOH ले लिया, तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ठीक है। तो सोडियम जिंकेट एक सॉल्ट है Na2ZnO2, ऐसे क्यों, क्योंकि हमें पता है Na कितना होता है +1 और जिंकेट अनायन होता है आपका -2। जब ये कंबाइन करेंगे तो इट विल बी Na2 एंड ZnO2। तो क्योंकि ये बेस है, यहाँ पे सॉल्ट मिला, यहाँ पे वाटर मिला, इसका मतलब है कि जो हमने ये एज्यूम किया था कि ये एसिड है वो ठीक है। सिमिलरली आप मैंने सपोज HCl ले लिया एसिड और बेस की जगह लिया ZnO, ठीक है। अब मैंने ये रिएक्शन कराई, रिएक्शन कराया तो ये आया ZnCl2 अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है। अगेन जो ये ZnCl2 है ये क्या है, ये एक सॉल्ट है, ठीक है। तो हमने जो एजम्पशन ली थी कि भाई ZnO एक बेस है वो सही थी। तो ये रिएक्शंस आप लोग लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू शो द एम्फोटेरिक बिहेवियर, ठीक है। एक आयरन के बारे में और बात कर लेते हैं। अब आपने देखा होगा कि आयरन रस्टिंग वाली जो इक्वेशन थी उसमें फेरिक ऑक्साइड बन रहा था, आयरन थर्ड ऑक्साइड बन रहा था। पर अगर आयरन रिएक्ट करता है सिर्फ ऑक्सीजन से, यहाँ पे कोई मॉइस्चर नहीं है, यहाँ पे कोई वाटर नहीं है, तो क्या बनता है, आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, मतलब आयरन की दोनों वैलेंसीज उसमें इंक्लूड होगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, Fe
304, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे गलती से क्या लिखते हैं, इसको फेरिक ऑक्साइड लिख देते हैं Fe2O3, जो कि गलत है। आपको क्या लिखना है, Fe3O4, आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड। ये आपकी रस्टिंग वाली रिएक्शन नहीं है, ये सिर्फ वो वाली रिएक्शन है जब आयरन को आप हीट करते हो ऑक्सीजन से। अब जैसे जैसे आप रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाओगे, वैसे वैसे आपको ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी रिएक्शन करवाने के लिए, सो डैट ऑक्सीजन रिएक्ट कर सके। और बिल्कुल नीचे वाला जो लीस्ट रिएक्टिव वाले हैं, वो तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे ऑक्सीजन से। अब हम बात करते हैं कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, इनका क्या होता है। तो बेसिकली कॉपर को तो बहुत ज़्यादा आप बहुत 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 ज़्यादा हीट करते हो, तब जाके कहीं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। सो कॉपर ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड विच इज़ ब्लैक इन कलर। और रही बात सिल्वर और गोल्ड की, तो उनको तो आप बहुत हाई टेम्परेचर में भी वो रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन से, ठीक है। तो अगर आप देखो ना, तो वो सिल्वर ब्लैक कलर का हो जाता है, तो वो ऑक्सीजन की रिएक्शन से नहीं होता, वो हाइड्रोजन सल्फाइड जो हमारे एयर में होती है उसके रिएक्शन से वो ब्लैक होता है। तो कभी भी सिल्वर ऑक्सीजन के रिएक्शन से ब्लैक नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो इसमें आप एक बात देखिएगा कि मेटल्स जब वाटर से रिएक्ट करते हैं, तो कभी तो आपको दिखेगा कि हाइड्रो ऑक्साइड्स बन रहे हैं और कभी दिखेगा आपको कि ऑक्साइड्स बन रहे हैं। तो मेटल जब भी वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाते हैं, और जब वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं तो वो ऑक्साइड्स बनाते हैं अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस। सो वी कैन से दैट, सो मेटल विथ वाटर इट फॉर्म्स मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। तो जो ये वाटर है, ये कोल्ड वाटर हो सकता है या हॉट वाटर हो सकता है, अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और मेटल अगर रिएक्ट कर रहा है स्टीम से, सो इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड्स अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो अगेन एक बार रिएक्टिविटी सीरीज लिख लेते हैं, काना का, मैग अल्जन, फीसन पब, एच को हग, ए जी ए यू, ठीक है। अब क्योंकि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, दैट इज़ वाई ये कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर लेते हैं, आपको पानी गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, दे रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर इन ऑर्डर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। सो के अगर रिएक्ट करता है वाटर से, इट विल फॉर्म KOH प्लस H2 गैस विल बी लिबरेटेड। सोडियम क्या बनाएगा, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड, और कैल्शियम CaOH2 प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। सो पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, दे विल रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर इन ऑर्डर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम कुछ यहाँ पर है, तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर। सो मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विथ हॉट वाटर, वो क्या बनाता है, वाटर कैसा होगा, हॉट, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब इसी मैग्नीशियम को अगर मैंने स्टीम से रिएक्ट कराया, ठीक है, स्टीम है तो वाटर का ही पार्ट ना, फिजिकल चेंज ही तो है, तो बनेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये बैलेंसिंग आप लोग कर लीजिएगा। सो इस तरीके का डिफरेंस आता है। अब हम बात करते हैं जिंक या आयरन, ये सब आपके किससे रिएक्ट करते हैं, स्टीम से। सो जिंक, एल्यूमिनियम, ये सारे ऐसे हैं जो स्टीम से रिएक्ट करते हैं। अच्छा, एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूँ, तो एल्यूमिनियम को आपको हल्का सा रब करना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर एक कोटिंग होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, और तभी वो वाटर या स्टीम से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। सो एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, दे रिएक्ट विथ स्टीम, और स्टीम से रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म ऑक्साइड्स नॉट हाइड्रो ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम क्या बनाएगा, Al2O3 अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस, जिंक बनाएगा ZnO अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस, और आयरन क्या बनाएगा, आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड विच इज़ Fe3O4
फोर, ठीक है. तो आयरन चाहे ऑक्सीजन से रिएक्ट करे चाहे वाटर से रिएक्ट करे, इट विल फॉर्म आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड. और अगर हम बात करते हैं कॉपर, मर्करी, गोल्ड एंड सिल्वर, तो ये तो इतने ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव हैं कि ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ वाई दे डू नॉट रिएक्ट विथ इट इवन विथ स्टीम. ओके, अब इसमें एक पॉइंट मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है कि जो ये पोटेशियम है और जो ये सोडियम है, राइट. सो पोटेशियम और सोडियम ये बहुत ही ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर से, और जो ये हाइड्रोजन गैस निकल के आती है ना इनके साथ, सिर्फ पोटेशियम और सोडियम की बात कर रही हूँ, तो हाइड्रोजन गैस निकल के आती है वो बहुत जल्दी फायर कैच कर लेती है. और जो ये अगर मैं बात करती हूँ कैल्शियम और मैग्नीशियम की, तो इन दोनों केस में क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, उनके जो बबल्स प्रोड्यूस होते हैं वो मेटल के ऊपर, जो मेटल के ऊपर वो स्टिक कर जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट होना स्टार्ट हो जाता है. तो इस पर क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग यू रिवाइज दिस, कि ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, कि पोटेशियम और सोडियम का जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है वो बहुत जल्दी फायर कैच कर लेता है, बिकॉज इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो उससे हाइड्रोजन गैस बर्न हो जाती है. नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सोल्यूशन. तो सबसे पहले देखते हैं वॉट विल हैपन वेन मेटल विल रिएक्ट विद अ सॉल्ट सोल्यूशन. तो ये एक्चुअली सिमिलर टू सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. जैसे से सपोज आपके पास एक मेटल है जिंक और आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो हमें पता है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स पोजिशन और क्या बनाएगा, ZnSO4 और कॉपर यहाँ पे निकल जाएगा. तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि वो आपको एक रिएक्शन दे देते हैं और आपको पूछते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप देखिएगा कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी. अगर हो पाएगी तो आप इस तरीके से सिंगल डिस्प्लेसमेंट करके आप रिएक्शन लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लिखेंगे नो रिएक्शन, ठीक है. तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम से पूछे गए हैं. एक और रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट ऑन रिएक्शन विथ कॉपर, ठीक है. तो कॉपर आप देखो, कॉपर और सिल्वर में सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, सो कॉपर डिस्प्लेस कर लेगा और क्या बनाएगा, CuNO3 का होल टॉइस अलॉन्ग विथ सिल्वर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है. तो इस तरीके से सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको फॉलो करनी है इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस. अब यही सपोज वाइस वर्सा होता, इसका मैं वाइस वर्सा लेती हूँ कि आपके पास जिंक सल्फेट सॉल्यूशन होता और यहाँ पे कॉपर होता, तो क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है. तो अगर आप रिएक्टिविटी देख सीरीज देखो पीछे, तो जिंक तो यहाँ पे है कहीं और कॉपर इसके नीचे है, तो कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से, सो कॉपर विल नॉट बी एबल टू डिस्प्लेस जिंक. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नो रिएक्शन. सो नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स. सो मेटल्स यूजली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है. पर ज़रूरी नहीं है कि मेटल सारे ही डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करें, ठीक है. अब हम बात करते हैं ऐसे मेटल्स जो कि हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, मर्करी हो गया, तो ये डिस्प्लेस ही नहीं कर पाते हाइड्रोजन को उनके एसिड से, दैट इज़ वाई उनके साथ रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती. आपके पास मेटल है पोटेशियम और ये रिएक्ट करा रहे हो आप HCl से, सो पोटेशियम क्या करेगा, इट इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एज पर द रिएक्टिविटी सीरीज, तो ये H को किक ऑफ कर देगा और Cl से कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा, KCl along with the formation of hydrogen gas. तो ये KCl क्या है, इट इज़ एक्चुअली अ मेटल सॉल्ट. सो मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड इन ऑर्डर टू फॉर्म मेटल सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस. अब यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बतानी है कि ज़रूरी नहीं है सारे ही एसिड्स रिएक्ट करें मेटल से इन ऑर्डर टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. अब एक एसिड है नाइट्रिक एसिड, इसके बारे में पहले भी जिक्र हुआ था, HNO3, ठीक है. अगर मैं मेटल को किसी एसिड से रिएक्ट करती हूँ जो कि ये नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड अपने आप में कैसा है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो क्या होता है कि जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनती है, जो नाइट्रिक एसिड है वो उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है. सो नॉट ऑल डाइल्यूट एसिड्स कंबाइंड विथ मेटल इन ऑर्डर टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस.
इसी तरीके से अगर मैं लिखती हूँ कॉपर रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसमें क्या होता है, तो जो ये आपका जो कॉपर है वो क्या एच को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वो हाइड्रोजन से नीचे है. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? नो रिएक्शन. ठीक है, तो इसी तरीके से मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स दे फॉर्म मेटल सॉल्ट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स. तो नॉन मेटल्स में क्लोरीन है और हाइड्रोजन है. देखो, अगर कोई भी मेटल किसी क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? क्लोराइड. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट सोडियम, सो सोडियम व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ मैग्नीशियम की, अगेन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड. तो इस तरीके से आप देखो तो हमारी रिएक्शंस होती हैं. अब ये जो कंपाउंड बन के आए हैं, ये कैसे कंपाउंड्स हैं? देर आर आयनिक कंपाउंड्स. आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे. तो एक इसमें मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो जब ये कंबाइन करेंगे दे विल फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स. ओके, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है इट फॉर्म्स कॉपर क्लोराइड विच इज CuCl2. ओके, अब इसमें नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन जनरली हमने देख रखा है कि इट इज एच प्लस, पर जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, वो हाइड्रोजन को फोर्स करते हैं कि वो हाइड्रोजन उनका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे. ठीक है, और क्या बनाए? हाइड्राइड्स. सो अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम एंड रिएक्ट विद हाइड्रोजन इट फॉर्म्स सोडियम हाइड्राइड. कैसे? Na होता है +1 और हाइड्रोजन होता है -1. तो इस तरीके से यहाँ पे 2 पुट अप किया और यहाँ पे 2 पुट अप किया, तो आपका क्या बना? सोडियम हाइड्राइड. इसी तरीके से कैल्शियम जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से, अगेन कैल्शियम फोर्सेस हाइड्रोजन टू एक्सेप्ट इट्स इलेक्ट्रॉन, और इसी वजह से यहाँ पे क्या बनता है आपका? कैल्शियम हाइड्राइड CaH2. Ca कितना होता है? +2, और H कितना होता है? -1. दैट इज वाई द CaH2. तो यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 2 आया, एंड इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्राइड. अब जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि जिंक, कॉपर, आयरन, वो फोर्स नहीं कर पाते हैं हाइड्रोजन को टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. दैट इज वाई उनके साथ रिएक्शन नहीं हो पाती, उनके साथ हाइड्राइड्स नहीं बन पाते हैं. सो दिस वॉज ऑल इन डे 6. हमने क्या पढ़ा? हमने केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और मेटल्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा. अब कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कि नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं. सो स्टे ट्यून्ड, एंड जितना हमने आज तक पढ़ा है उनको रिविजन करना, एंड इंस्टाग्राम पेज पे और फेसबुक पेज पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके वहीं पे आंसर देना. आई विल चेक इट आउट. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.